बस्तर में सड़क और पुलिया की कमी का खामियाजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। बारिश के दिनों में जब गांव की कच्ची सड़कें खराब हो जाती है, पानी और कीचड़ में डूब जाती है, तब मरीजों को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। सुकमा जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते हालत बद से बदतर हो चुके हैं। सबसे ज्यादा हालात दूर दराज के गाँव में खराब है। नक्सल प्रभावित इलाके एराबोर में गर्भवती महिला को खाट पर लादकर गांव वालों ने एम्बुलेंस तक पहुंचाया। खराब सड़कों के कारण गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। एराबोर के लेंडरा गांव की महिला को प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती करना था। परिवार वालों ने एम्बुलेंस को फोन किया, मौके पर गाड़ी भी गांव के लिए रवाना हो गई, पर खराब सड़क और बारिश के चलते गाड़ी गांव से करीब 3 किलोमीटर पहले ही खड़ी हो गई। परेशान परिवार वालों ने महिला को खाट पर लादकर उसे एम्बुलेंस तक पहुंचाया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बस्तर के दूरदराज के गांव में अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती है। कई बार किस्मत मरीज का साथ दे देती है तो मरीज सकुशल अस्पताल या एम्बुलेंस तक पहुंच जाता है। कई बार खराब मौसम और सड़क के चलते मरीज को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नक्सल प्रभावित इलाका होने के चलते कई बार एम्बुलेंस के चालक भी सतर्कता बरतते हैं। इस तरह के हालात के लिए जितनी जिम्मेदार सरकार है, उतनी ही जिम्मेदार नक्सली भी हैं। नक्सलियों की वजह से बस्तर के अंदरूनी इलाकों में विकास का काम प्रभावित होता है। नक्सली अगर सड़क बनने देते तो ये दिक्कतें नहीं आती। सुनील कश्यप, ईटीवी भारत, सुकमा।